बाढ़ और बारिश ने आधे भारत की जिंदगी तहस नहस करके रख दी है। बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर गुजरात और गुजरात से सटे राजस्थान के इलाकों में दिख रहा है। आपको बता दें, केवल गुजरात में 75 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात और राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। गुजरात में बाढ़ से हुए नुकसान को देखने खुद प्रधानमंत्री मोदी गुजरात पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उस वक्त की जब वो गुजरात पहुंचे। आपको बता दें कि थोड़ी देर में उनके विमान से तस्वीरें हम तक पहुंचेंगी, क्योंकि एरियल सर्वे वो कर रहे हैं। बाढ़ में जलमग्न हो गए हैं गुजरात के इलाके। इस समय आपको हम बता दें कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में बाढ़ से बहुत बुरा हाल है। वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात पहुंचने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना विकराल रूप बारिश और बाढ़ ने धारण कर लिया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी को जाना पड़ा है गुजरात एरियल सर्वे के लिए। राजस्थान के जालौर के पथमेड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला है, जहां एक साथ सबसे ज्यादा गायें पाली जाती हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से पूरे गौशाला में पानी भर गया है और वहां रहने वाली 2 लाख से ज्यादा गायों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। बाढ़ की वजह से गौशाला प्रशासन को बाहर से मदद भी नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि जालौर के पथमेड़ा के बारे में मशहूर है कि यहाँ भगवान कृष्ण द्वारिका जाते समय अपनी गायों के साथ लंबे समय तक रुके थे। राजस्थान का जोधपुर जिला पूरी तरह बाढ़ और बारिश की चपेट में है। वहाँ लूणी नदी में एक ऑटो रिक्शा पलट गया था, जिसकी वजह से ऑटो पर सवार 10 लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने ऑटो ड्राइवर को नदी पार करने से रोका था, लेकिन वो नहीं माने। ऑटो ड्राइवर की लापरवाही की वजह से 10 लोगों की जिंदगी बाढ़ की चपेट में आ गई थी। लेकिन तारीफ करनी होगी किनारे खड़े उन लोगों की, जिन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए सभी लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला। राजस्थान के सिरोही में कल बारिश ने 60 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पूरे जिले को जलमग्न कर दिया। गांव हो या शहर, घर हो या खेत खलियान, हर जगह बारिश और बाढ़ का कहर दिखा। राजस्थान के कई जिलों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित अगर है तो वो उदयपुर, सिरोही, पाली, जालौर जैसे जिले हैं, जहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं और जो कई गांव हैं वहां का संपर्क टूट गया। इस वक्त हम सिरोही जिले के उड़ गांव में मौजूद है और आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से बाढ़ में जो है बारिश, तेज बारिश के बाद किस तरह के हालात हो गए हैं। ये आप देखेंगे, खेत है और खेत में पानी भरा हुआ है। सिरोही जिले में बाढ़ और बारिश की वजह से यातायात व्यवस्था चरमरा कर रह चुकी है। वहां पर जालौर और बाड़मेर को जोड़ने वाली राजमार्ग जावाल गांव में टूट चुकी है। राजस्थान में चल रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं और किस कदर हालात खराब हैं, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं सिरोही जिले में खड़ा हूं और जिस सड़क पर मैं खड़ा हूं, ये सिरोही से जाने वाला जालौर और बाड़मेर को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे है और किस तरीके से ये पूरी तरह से तहस नहस हो गया है, ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आपको बता दें 50 साल पुरानी ये सड़क है जो कि इस बारिश में टूट गई है। सिरोही जिले के जावाल गांव में कृष्णावती नदी के ऊपर बना पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया है। यहां पर कृष्णा नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे नदी किनारे बसे गांव में तबाही की आशंका है। आप देखिए, जो पानी आप देख रहे हैं कृष्णावती नदी का है, जो जावला गांव में मौजूद है, और ये पूरी तरह से जो पानी है अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और जो सड़क तक है ये पूरी तरह से आ गया है। और ये सड़क के हालात आप देख लीजिए, किस तरह से सड़क जो है पूरी तरह से टूट गई है। और आप उस तरफ देखेंगे तो वहां पर भी आपको लोग नजर आएंगे जो पूरी तरह से संपर्क यहां इस तरफ से टूट गया है। आगे जालौर और बाड़मेर जिले पड़ते हैं, पूरी तरह से जो दो जिलों का संपर्क है वो इस सड़क से टूट गया है। गुजरात के बनासकांठा में भी बाढ़ और बारिश का कहर बदस्तूर जारी है।
वहाँ लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और इसी वजह से घनेरा में एक पुल टूट गया है। उत्तर गुजरात में लगातार 48 घंटे की बारिश ने लोगों के जीवन को प्रभावित कर दिया है। केवल लोगों के जीवन को नहीं, कोई रास्ता है, कोई मकान है, कोई दुकान है, हर किसी को भारी नुकसान पहुंचा है। ये टेटोड़ा गांव से धानेरा का मुख्य रास्ता है, इसी रास्ते से राजस्थान का रास्ता जुड़ता है और खास तौर पर आगे 70 से ज्यादा गांव है, लेकिन भारी पानी का बहाव के कारण ये पूरा ब्रिज टूटा हुआ है। इस गांव के लोगों का कहना है, टेटोड़ा गांव के लोगों का, कि कई लोग 50 से ज्यादा परिवार अब भी खेतों में फंसे है, कोई अपने मकान की छत पर है, लेकिन कोई सरकार का अधिकारी या सरकारी प्रशासन यहाँ पहुंचा नहीं है। राजस्थान के मशहूर पर्यटन स्थल माउंट आबू में बारिश ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कल वहां 24 घंटों में 77 सेंटीमीटर बारिश हुई है, जो अब तक कभी नहीं हुई थी। भारी बारिश की वजह से माउंट आबू में आम आदमी की जिंदगी दुश्वार हो गई है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शहर के गोदौलिया इलाके में एक सड़क धस गई है। सड़क के धसने से वहां के लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सवाल उठ रहा है कि क्या सड़क बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से सड़क बारिश की भेंट चढ़ गई। महाराष्ट्र के नाशिक में गोदावरी नदी लगातार बारिश की वजह से उफान पर है। नदी का पानी तट से बाहर निकलने की वजह से गोदावरी किनारे बसे कई मंदिर जलमग्न हो गए हैं। महाराष्ट्र के नाशिक में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से गोदावरी नदी और आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। गोदावरी नदी, जिसने अपना रुद्र रूप अपना लिया है, पिछले 48 घंटों से नाशिक में लगातार तेज बारिश हो रही है। साथ ही साथ गंगापुर डैम से पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से इस गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। साथ ही साथ नदी की जलधारा आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि इस इलाके में कितनी ज्यादा बारिश हुई है। जो जलस्तर बढ़ जाने की वजह से आसपास के इलाके पानी में डूबे हुए हैं। मंदिर, जिसे आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि जलस्तर कितना बढ़ा हुआ है, ये छोटा मंदिर है जिसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। इसके ठीक बगल में समाधि मंदिर है, जहां श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन जलस्तर बढ़ जाने की वजह से यह मंदिर भी जलमग्न हो गया है। नाशिक के लोगों के लिए अच्छी बात है कि वहां अभी तेज बारिश नहीं हो रही है, और अगर बारिश थम जाती है तो फिर गोदावरी के जल स्तर में भी कमी आ जाएगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।